अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी का इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है, क्योंकि आ रही है पुलिस। जी हाँ, रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की इस फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बता दें कि लंबे वक्त से अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज का इंतजार फैंस कर रहे थे। इस फिल्म को पिछले साल ईद के मौके पर रिलीज होना था, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन 14 मार्च को रोहित शेट्टी के जन्मदिन के खास मौके पर फिल्म सूर्यवंशी की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही इस सवाल का भी जवाब दे दिया गया कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी या फिर सिनेमा घरों में। इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में फिल्म से जुड़े स्टार कास्ट ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उनकी फिल्म सूर्यवंशी 30 अप्रैल को रिलीज होगी। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, हमने आप सभी से सिनेमा के दमदार एक्सपीरियंस का वादा किया था और वो वादा पूरा होगा। आखिरकार इंतजार खत्म होगा, आ रही है पुलिस। सूर्यवंशी सिनेमा घरों में 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। #सूर्यवंशी30th April। बता दें कि फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर 2 मार्च 2020 को रिलीज हुआ था, जिसे खूब पसंद भी किया गया था। उसके बाद से ही दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इससे पहले अक्षय ने 10 अक्टूबर 2019 को फिल्म की रिलीज डेट के बारे में एक ट्वीट कर बताया था कि उनकी ये फिल्म 27 मार्च साल 2020 में रिलीज होने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। बता दें कि इस फिल्म की रिलीज डेट को कई बार बदला भी गया है, लेकिन अब जब फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है तो फैंस के बीच खुशी का माहौल है। मालूम हो कि सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है। फिल्म में सिंघम बने अजय देवगन और सिम्बा बने रणवीर सिंह भी कैमियो करते दिखेंगे। इस फिल्म में जोरदार एक्शन होगा, जिसके लिए रोहित शेट्टी की फिल्में फेमस भी हैं। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार DSP वीर सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हैं, वहीं कैटरीना कैफ उनका लव इंटरेस्ट बनी है। इस फिल्म के जरिए अक्षय और कैटरीना की जोड़ी 10 साल बाद बड़े पर्दे पर एक बार फिर वापसी कर रही है। इससे पहले दोनों ने 30 मार खान, वेलकम, नमस्ते लंदन, ब्लू और हमको दीवाना कर गए में साथ में काम किया था। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ अक्षय और कैटरीना की पहली फिल्म है। अक्षय अपनी फिल्मों में एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म के स्टंट्स भी वो एक्सपर्ट्स की देखरेख में खुद ही कर रहे हैं।